जी, मालिक का एहसान है कि जिस बात का खदशा था, जिस बात का डर था, रियासत कर्नाटका में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि मस्जिद आला जो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर की थी श्रीरंगपटना में, मेन रोड में जब हम मैसूर जाते हैं तो राइट साइड सीधे हाथ तरफ देख सकते हैं कि वो मस्जिद उस ज़माने में बनाई गई थी। अब कुछ शरपसंद ने कुछ तंजीमें एक जुलूस निकालना चाहती थी, एक तहरीक चलाई, एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया था कि वो 4 तारीख जून की 4 तारीख को, मतलब कल, उस मस्जिद में जाएंगे और मस्जिद में जाकर अंदर पूजा करेंगे। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर श्रीरंगपटना को भी, हुकूमत को भी आगाह किया था कि वो जुलूस की शक्ल में आएंगे। सारे उस तंजीम के, विश्व हिंदू परिषद तंजीम के लोग उस मस्जिद आला के अंदर जाएंगे। वो ये कह रहे थे कि मस्जिद आला हनुमान की मंदिर था, उस पर यह बनाई गई थी। खैर, बहरहाल मैंने वज़ीर आला के दफ्तर से रابطہ रखा था, उनके अफसरों के साथ रابطہ रखा था, उस एरिया के आईजी मधुकर से बात हुई है, उस श्रीरंगपटना मंडिया ज़िले के डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है, मंडिया डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से भी बात हुई, डीजीपी ऑफिस से भी बात हुई है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि किसी तरह की गड़बड़ का मौका नहीं देंगे, किसी को मस्जिद के अंदर जाने नहीं देंगे, पूजा की दूर की बात मस्जिद के करीब तक नहीं आने देंगे। मेरी अपील हमारे भाइयों से यही है कि आप भी वहाँ कल ना जाएं, कोई मौका ना दें, कोई जाकर क्या हो रहा है ये देखने ना जाएं। हुकूमत इस बात से आगाह है, हमने जो बात उनके सामने रखी है, मैंने कहा कि सारे स्टेट में आग की तरह ये बात फैली है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। तो सरकार को भी, हुकूमत को भी इस बात का ये है, मैं हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये उन्होंने ये कोशिश को अंजाम होने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आर्डर्स पास कर दिया है, 144 सेक्शन लागू कर दिया है, वहाँ के सारे शराब की दुकानें बंद हैं, कोई 400 लोग ज़्यादा वहाँ अतराफ उस एरिया में जमा नहीं हो सकते, 144 सेक्शन भी लागू कर दिया है। इसमें दिल्ली में भी चंद हजरात, इसमें उन्होंने हमारे स्कॉलर साहब डॉक्टर ख्वाजा साहब और शाही इमाम साहब, इन सब ने कोशिश की है। आज हम आरएसएस के चीफ का जो बयान देखते हैं, उस बयान का भी हम खैर मकदम करते हैं। आरएसएस के चीफ भगवत साहब ने कहा है कि ये कहाँ जाकर रुकेगा, हर मस्जिद में क्या पाओ, क्या आप शिवलिंग तलाश करोगे। तो उन्होंने एक अच्छा बयान दिया है जो हिंदुस्तान के सारे मीडिया में, टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सब अखबारों में, हिंदी के, कन्नड़ा के, तमिल के, सारे अखबारों में ये न्यूज़ फैली है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनके स्टेटमेंट का हम खैर मकदम करते हैं। बहरहाल मस्जिद आला की बात करते हुए, इसके बारे में किसी बात का डर नहीं है कि कल मस्जिद आला के अंदर कोई जाएगा नहीं, ना हुकूमत उसकी इजाज़त दे रही। सर, श्रीराम सेने के जो प्रमुख हैं, प्रमोद के जो बयान से आप उसके अरेस्ट की मांग नहीं करते, थोड़े देखिए कि प्रमोद मुतालिक पहले बीजेपी की हुकूमत गोवा में है, गोवा में तो उसको बैन किया है, गोवा में जाके रोके, अब ये चंद दिन करेगा, हुकूमत उसको भी सीरियस ले रही है। अरे, जब परवीन तोगाड़िया ही इस मुल्क में खामोश हो गया, ये तो कौन सा प्रमोद मुतालिक है, इसको देख लेंगे। बहरहाल अब जो हमारे सामने जो बड़ा मसला था, क्योंकि हिंदुस्तान के कोने में, सिर्फ कर्नाटका में नहीं, हिंदुस्तान के में सारे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद, हम सब उनके अकीदतमंद, जो अकीदत हमारे दिल में उनके लिए है, सारे हिंदुस्तान उसके मुसलमान हैं, उसको उस अकीदत की नज़र से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद को देखते,
अब उनकी बनाई हुई मस्जिद उन्हीं के शहर में जाकर ऐसा अगर हिंदू विश्व हिंदू परिषद वाले ये करें। हमने उनसे किसी लोगों से मैंने बात की, भाई टीपू सुल्तान शहीद नंजनगुड़ का जो मंदिर है जिसको हकीम नंजुनजा कहते थे, वहाँ एक बहुत बड़ा पंचलिंगेश्वर उन्होंने गिफ्ट दिया है, तोहफे में दिया है। आज भी मंदिर के अंदर बड़े फख्र के साथ उन्होंने लगाया है कि ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ने हमको तोहफे में दिया था। तो ऐसे सब चीज़ें हैं। जब श्रृंगेरी का मठ लूटा गया तो किस मदद किसने की? डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स में आज भी वो खत मौजूद है कि जो उसमें हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ने कहा था कि हमारी प्रजा के लिए दुआ कीजिए स्वामी से। जो जेवर वगैरह जो लूटे गए थे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ने। तो बहरहाल लोग सब इससे वाकिफ़ हैं। भगवान गिद्वानी ने भी जब किताब स्वर्ड ऑफ टीपू सुल्तान लिखी और कई किताबें जो हिंदुस्तान में किताबें शाया हुई दुनिया में शाया हुई हैं वो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के तहत, वो साफ तौर पर ज़ाहिर है कि उनका क्या सेकुलर कैरेक्टर था। बहरहाल आज का जो मसला था, जो एक शक व शुबा था मुसलमानों का खासकर कि वहाँ कुछ ऐसे अनगही बात नहीं होगी, कुछ वो विश्व हिंदू परिषद के लोग अंदर जाकर पूजा करें, कोई हुकूमत उसकी इजाज़त नहीं दे रही है, इसलिए मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करूँ।